जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या, शंकर कह रहे हैं, माँ उमा से, माँ पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और हजार अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र फल चढ़ाकर, मात्र फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहे हैं, तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी क्या आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना, बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर, उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है, देखा है आप लोगों ने, बोलो जम के बोलो, देखा है ना। गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आकर सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर, जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में, बेलपत्री धतूरा दुर्वा ये, उसमें नीचे लिखेंगे भस्म, लिखते कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है, तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग
आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओ में, बेलपत्री के वृक्ष की छाओ आप कामना कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो। ईश्वर महादेव जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरंभेश्वर महाराज एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रम्भेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए, पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री का। श्रम्भेश्वर महादेव एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव, फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का। ओम नमः शिवाय। दोस्तों हर हर महादेव, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छी उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।